हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस सर्किल क्लासेस। दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं आप लोग के बीच, और ये ट्रिक जानने के लिए दोस्तों शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें ताकि ये समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये स्क्वायर ट्रिक का सबसे बेस्ट ट्रिक कैसे साबित होता है, तो चलिए सबसे पहले सबको ये चीज याद होगा, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, इसी तरह से टेन तक का स्क्वायर सभी आदमी को याद होगा। ओके, तब क्या करना है, एक चीज याद रखना है यहाँ पर, इकाई अंक। इकाई अंक ये एक, एक कौन कौन कंडीशन में आया है, तो देखिए एक किस किस कंडीशन में आया है, यहाँ आया है एक और नाइन, तो एक और नाइन, तो एक और नाइन लिख दिया। इकाई स्थान पे यदि चार आए तो कौन सा कंडीशन होगा, इकाई स्थान चार, तो चार यहाँ है और चार यहाँ है, तो चार किस किस कंडीशन में आया है, दो और आठ, तो दो और आठ लिख दिए। पांच किस कंडीशन में आया है, तो एक ही कंडीशन में आया है, तो वो लिख दिए हैं। छह किस किस कंडीशन में आया है इकाई स्थान पे, तो छह चार और छह में, तो चार और छह लिख दिए हैं। नौ किस किस कंडीशन में आया है, तो तीन और सात में आया है। तो दोस्तों चलिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो सबसे पहले है रूट अंडर 1764। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है, इधर से दो अंक को अलग कर देना है, कितने अंकों, दो अंकों, तो एक दो, दो अंक अलग कर दिए। अब ये हो गया बाहर वाला, ये हो गया अंदर वाला, तो सबसे पहले क्या करना है, बाहर वाले को क्रिया करना है, तो क्रिया क्या करेंगे, इसके इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे क्या है, फोर है, तो फोर है, तो यहाँ देखना है फोर कहाँ है, यहाँ है, तो फोर किस किस कंडीशन में आया है, तो दो और आठ में, तो यहाँ जो है दो ऑब्लिक आठ लिख देंगे। ठीक, तब क्या करना है, इसको चौसठ को भूल जाना है। अब अंदर वाले को देखना है, अंदर में क्या है, सत्रह है, अंदर में सत्रह है, मतलब सेवनटीन है, तो सेवनटीन से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर है, तो सेवनटीन से जस्ट नीचे किसका स्क्वायर है, सोलह, मतलब सेवनटीन से नीचे कौन है, सोलह, सोलह किसका स्क्वायर है, चार का, तो ये चार दोनों में इधर से लगा देंगे, चार चार, तो यहाँ चार लगाने के बाद हमको आ रहा है दो ठो आंसर, दो तो स्क्वायर नहीं हो सकता है, दो संख्या कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चार जो दिए हैं अपने मन से उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना, उसमें अपने मन से एक जोड़ना है, तो चार में एक जोड़ेंगे तो पांच, पांच को इसी चार से गुना करेंगे, पंचों के बीस, तो यहाँ पर बीस लिख देंगे। ठीक, तब देखना है रूट के अंदर जो ये संख्या है सत्रह, सत्रह जो है बीस से छोटा है कि बड़ा है, तो सत्रह जो है बीस से छोटा है, तो इसमें छोटा वाला कौन है, तो इसमें छोटा बयालीस है, तो बयालीस इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा है रूट अंडर बयालीस इकतालीस। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इधर से दो अंक को अलग करेंगे, एक दो अलग हो गया, अब इसका इकाई स्थान देखना, इकाई स्थान क्या है, एक है, तो इसमें देखना एक कहाँ है, तो यहाँ है एक, तो एक किस किस कंडीशन में आया है, तो एक और नौ में, यहाँ लिख देना है एक ऑब्लिक नौ। ठीक, तब क्या करना है, इसको हमको भूल जाना है, इकतालीस को भूल जाना है। अब ये जो है ऑब्लिक, इसके इधर वाले संख्या को देखना है, मतलब बासठ, बासठ से जस्ट नीचे कौन संख्या है, इसमें बासठ से जस्ट नीचे चौसठ तो बड़ा है, उससे कम कौन है, उनचास, उनचास, उनचास किसका स्क्वायर है, सात का, इसमें क्या करेंगे, दोनों में सात इधर से लगा देंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे, सात में एक जोड़ा जाता है, तो सात में एक जोड़ेंगे तो आठ, आठ को इसी सात से गुना करेंगे, तो आठ सतह छप्पन, तो छप्पन हो गया। अब यहाँ जो है रूट के अंदर ये संख्या, ये संख्या छप्पन से बड़ा है कि छोटा है, तो छप्पन से बड़ा है, तो अब ये दोनों में बड़ा कौन है, उनासी, उनासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं,
3025। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इधर से दो अंक को अलग करना है, अलग कर दिए। इकाई स्थान पे क्या है, पांच है, तो पांच किस कंडीशन में आया, एक ही कंडीशन में आया, एक ही कंडीशन लिख दिए है यहाँ, तो एक ही कंडीशन में आया है, इसलिए अपने मन से उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो अभी इकाई स्थान लिख दिया पांच, तो इसको हमको क्या करना है, भूल जाना है। अब ये जो है तीस, तीस जो है इसमें देखना है तीस से नीचे कौन है, तो तीस से तो छत्तीस ज्यादा है, तो नीचे वाला लेना है। पच्चीस, पच्चीस किसका स्क्वायर है, पांच का, तो इसमें पांच लगा देंगे, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि इसमें एक क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आया ही नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक और बताते हैं, इसको देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इधर से दो अंक को अलग करना है, ओके, तब क्या करना है, इसका इकाई स्थान देखना है, चार, चार किस किस कंडीशन में है, दो और आठ, तो यहां लिख देंगे दो ऑब्लिक आठ, लिख दिए। अब क्या करना है, इसको भूल जाना है। अब देखना है साठ, साठ से नीचे, इसमें देखना है यहां पर कौन है, साठ से नीचे, साठ से नीचे है उनचास, उनचास किसका स्क्वायर है, सात का, तो दोनों में सात लगा देंगे, इधर से लगा दिए। इसमें तो दो ऑप्शन आ गया, अब इसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए क्या करेंगे, ये सात में अपने मन से एक जोड़ना है, सात एक आठ, आठ को इसी सात से गुना करना, आठ सत्तर छप्पन, यहाँ लिख देना छप्पन। अब देखना है ये साठ जो है रूट के अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से छोटा है कि बड़ा है, तो देख रहे हैं साठ जो है छप्पन से बड़ा है, तो अभी दोनों में बड़ा कौन है, अठहत्तर, अठहत्तर राइट आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप लोग को एक देते हैं, एक संख्या देते हैं, सात नौ दो एक, इसका स्क्वायर रूट निकाल के आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।